माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा। राज्यसभा में सांसदों के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए। राज्यसभा में कई सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है जिनके लिए पीएम मोदी भाषण दे रहे थे। पीएम मोदी ने इस बीच मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की दिल खोलकर तारीफ की है। पीएम ने कहा, मेरे मनमोहन जी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के लिए मार्गदर्शक का काम किया है। मोदी ने कहा कि जब भी देश के लोकतंत्र की बात होगी, मनमोहन जी का जिक्र जरूर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह 6 बार इस सदन को अपने मूल्यवान विचारों से नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। मैं उस पल को नहीं भूल सकता जब पूर्व पीएम व्हीलचेयर पर संसद में वोटिंग के लिए आए थे और लोकतंत्र के लिए मिसाल पेश की थी। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन जी को पता था कि उनकी पार्टी जीतेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो चुनाव में हिस्सा लेने व्हीलचेयर तक पहुंच गए थे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें।